हेलो दोस्तों, मेरा नाम है खुर्शीद आलम और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल परगन का शेफ। आज मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही स्पेशल रेसिपी। रेसिपी का नाम है कटहल के पकोड़े। आज मैं आपको बताऊंगा आप आसानी से अपने घर में, अपने रेस्टोरेंट में कटहल के पकोड़े कैसे बनाएं। कटहल के पकोड़े बनाने के लिए आपने कटहल को इस तरीके से काटना है, ये देखिए ऐसे पतला और ऐसा काट लें। ऐसा कटहल काटने के बाद आपने इसमें डालना है आधे से आधा टीस्पून हल्दी, आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून देगी मिर्च, एक टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और एक टेबलस्पून लेमन जूस। ये सारी चीजें डालने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। प्यार से कटहल टूटना नहीं चाहिए, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। कटहल ऐसे मैरिनेट करने के बाद आपने क्या करना है, आप चाहें तो इसको डीप फ्राई कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको शैलो फ्राई कर सकते हैं। दोनों में फर्क क्या है, अगर आप डीप फ्राई करेंगे तो आपका तेल होगा खराब, शैलो फ्राई में तेल खराब नहीं होता है। तो मैं शैलो फ्राई करके आपको दिखाता हूँ। आपने लेना है एक पैन, आप फ्राई पैन भी ले सकते हैं, नॉन स्टिक भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। उसके अंदर आपने डालना है तेल, 3 से 4 टेबल स्पून डालें और तेल को ऐसे चारों तरफ घुमा देना है। तेल गरम होने के बाद आपने क्या करना है, इस तरीके से देखिए ऐसे कटहल को इसमें रख देना है। ऐसे आप सारा कटहल रख दें और ये देखिए ऐसे आपने घुमा देना है पैन को और थोड़ा थोड़ा ऐसे पैन को हिलाते रहें ताकि कटहल जले ना। 3-4 मिनट एक तरफ पकाने के बाद आपने क्या करना है, इसको ऐसे पलट देना है। ये देखिए इस तरीके से ऐसे पलट दें, कलर देखिए कितना बढ़िया आ गया। ऐसे ही आपने सब पलट देना है। ऐसे पलटने के बाद आपने दूसरी तरफ भी कम से कम 4 से 5 मिनट पकाना है। स्लो गैस है आपकी तो आप ज़्यादा भी पका सकते हैं और आप इसको ढक भी सकते हैं। आराम से पकने दें, कोई जल्दबाजी नहीं करना है आपने, क्योंकि आपने बहुत ही मजेदार दुनिया से अलग पकोड़े खाने, तो जल्दबाजी ना करें। अब हमारा कटहल हो गया है तैयार, ये देखिए कलर कितना खूबसूरत आ गया है और ये 80% गल चुका है। आपने भी 80% गलाना है, टाइम भले 12 से 15 मिनट लग जाए उसकी आपने चिंता नहीं करनी है। अब मैं कर दूंगा गैस बंद। जब तक हमारा कटहल ठंडा हो रहा है तब तक आपने क्या करना है, इसके लिए एक बढ़िया सा मसाला बना लेना है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। उसके लिए आपने लेना है एक मिक्सी का जार, जार के अंदर आपने डालना है 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 4 साबुत लाल मिर्च, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून साबुत जीरा, 4 हरे इलायची। इसको आपने मोटा मोटा पीस लेना है क्योंकि कटहल है ना पूरा मटन जैसा टेस्ट आना चाहिए। इस तरीके से आपने मसाला पीस लेना है, ये देखिए ऐसा, और इसकी खुशबू वाह क्या मजेदार है। अब आपने लेना है एक डिप बोल के अंदर कटहल को डाल देना, ये देखिए इस तरीके से, और जो हमने मसाला पीसा था वो इसमें डाल दें आप सारा। उसके बाद आपने इसमें डालना है 1 टेबल स्पून धनिया के पत्ते, थोड़ा सा नमक, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबल स्पून लेमन जूस और 2 टेबल स्पून दही, 2 पिंच कसूरी मेथी पाउडर। ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है प्यार से। ये देखिए ऐसे जैसे कि मैं कर रहा हूँ, अभी आपके मुँह में पानी आ रहा है ना, खाने का मन कर रहा है ना, लेकिन अभी आपको खाने को मिलेगा नहीं क्योंकि पकोड़े बनना अभी बाकी है। आपने देखा मैंने कितनी अच्छी तरीके से कटहल को मैरिनेट कर लिया है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको क्लीन रैप मार के फ्रिज में रख सकते हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन, कुछ होने वाला नहीं है इसको क्योंकि ये फ्राई हो चुका है। जब आपका मन हो आपने बैटर बनाया, जितने चाहिए आपको 2 पीस 4 पीस पकौड़े बनाए और मज़ा लिया खाने का। लेकिन मैं आपको बना के भी बताऊंगा आपने कैसे बैटर बना के और कैसे फ्राई करना है। तो अब हम बैटर बनाते हैं इसके लिए। अब आपने लेना है एक डिप बोल के अंदर आपने डालना है सबसे पहले बेसन, मैंने लिया है 1 कटोरी बेसन। बेसन डालने के बाद आपने इसमें डालना है 1 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लोर, 1 टीस्पून अजवाइन, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून नमक। ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपने इसमें डालना है थोड़ा सा पानी पहले,
और इसको अच्छे से घोलना है ताकि इसमें अगर गांठ ही हो बेसन में तो वो गांठ खत्म हो जाए। इसलिए पहले थोड़ा पानी डालते हैं और इसको अच्छे से फेंटना है आपने। फेंटने से क्या होगा, पकौड़े बहुत ही शानदार बनेंगे, फ्लॉपी बनेंगे बिना कोई सोडा या बेकिंग पाउडर डाले। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब आपने थोड़ा सा और पानी डालना है, ये फाइनल टच होता है, और अच्छी तरीके से ये देखिए फेंट लेना है। इस तरीके से आपने फेंटना है अच्छे से, और इसका कलर देखा आपने कितना अच्छा हो गया, ऐसा ही कलर लेना है आपने, और पतला इतना रखना है, ना इससे ज़्यादा गाढ़ा करें ना इससे ज़्यादा पतला, और फेंटना जरूर है आपने, बहुत अच्छे से फेंटना है। फेंटने से क्या होता है, बिना सोडा या बेकिंग पाउडर या अंडा डाले आपके पकौड़े फूले फूले बनेंगे, मज़ा आ जाएगा आपको। ये देखिए ये हो गया तैयार। अब आपने इसके अंदर डाल देना है कटहल, ये देखिए, और हल्के हाथ से इसको मिक्स कर लेना है। और अभी आपको मैंने एक चीज़ बतानी है, वो चीज़ ये है, अगर आपका कटहल बहुत मोटा है और उसके बीज बड़े बड़े हैं मतलब गुठली, तो आप गुठली निकाल सकते हैं, और अगर छोटा कटहल है जिसकी गुठली छोटी छोटी है गल जाएंगी तो आप ना निकालें। अब हम करेंगे पकोड़े फ्राई। फ्राई करने में आपने दो चीज़ों का ध्यान रखना है, तेल साफ होना चाहिए और गर्म होना चाहिए और गैस स्लो होना चाहिए, तो आपके पकोड़े बहुत ही अच्छे से फ्राई हुए। आपने जब भी पकोड़े फ्राई करने तो आपने एक चीज का ध्यान रखना है, ये बॉल है बिल्कुल बाजू में होना चाहिए, और आपने इस तरीके से देखिए ऐसे उठाना है, बेसन लगा होना चाहिए, और डाल देना है तेल के अंदर, ऐसे डाल दें और फटाफट डालना है आपने। सारे पकोड़े डालने के बाद आपने क्या करना है, थोड़ी देर के बाद ऐसे प्यार से ऐसे चलाना है ताकि पकोड़े जो आपस में चिपके हैं वो छूट जाए। जब आपके पकोड़े ऐसे थोड़ी देर फ्राई हो जाएंगे तब आपने क्या करना है, इनको सबको निकाल लेना है। ऐसे आप निकाल लें और तेल को अच्छे से गर्म कर लें, मतलब रीहीट कर लें। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब मैं डाल दूंगा और इनको फटाक से निकाल लूंगा ताकि कड़क और क्रिस्पी हो जाए एकदम मजेदार। ये देखिए पकोड़े फ्राई हो चुके हैं, कलर भी बहुत ही अच्छा आ गया एकदम लाल। आपने भी ऐसे ही कलर करके निकालने, बादाम जैसा कलर होना चाहिए। आपने पकोड़े पहले टिश्यू पेपर के ऊपर डालने या फिर कपड़े के ऊपर भी डाल सकते हैं, जो चीज आपके पास है उसके ऊपर डालें। ये देखिए कलर कितना प्यारा है। उसके बाद आपने इस पे डालना है चाट मसाला और ऐसे मिक्स कर लेना है, लगे ना आपको मस्त। अब आपने उस प्लेट में डाल देना है जिसमें आपने सर्व करना है। आज मैं पकोड़े इस प्लेट में पिकअप कराने वाला हूँ क्योंकि मैं इसमें गार्निश कुछ नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि पकोड़े अपने आप में इतने अच्छे बन गए। ये देखिए आपको लगेंगे कि आप मटन के पकोड़े खा रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पर लच्छे वाली प्याज और ऊपर थोड़ी सी चटनी डालें ना प्याज के ऊपर, तो बहुत मजा आएगा आपको खाने में। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी, मेरा काम पसंद आया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ऐसे शानदार पकौड़े खाने के लिए।